गाइस, वेलकम बैक। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो कि गरबा पार्टी मेकअप लुक है, तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है एंड जो भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है, ये सब कुछ मैंने सिमसिम से परचेस किया है, तो आप लोग भी वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करना है प्राइमर, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। फिर मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लोटस का प्रो एडिट फाउंडेशन एंड इसमें मैंने बीबी क्रीम मिक्स करी है जिससे थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा मिलेगा। तो इसको अपने पूरे फेस पे इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने अपने नेक पे इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने नेक पे फाउंडेशन लगा लिया था। और यहाँ पे जो ब्लू हेवन का फिक्सर है उसको मैंने अपने ब्रश पे स्प्रे किया है, थोड़ा सा मेरा ब्रश वेट हो गया। फिर मैं फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ, इससे मेरा जो मेकअप है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लोटस का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे लगाऊंगी, इससे जो हमारा बेस है वो लॉक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लोटस का प्रो एडिट डीओ, आई थिंक उसका नाम है, लिंक आप लोगों को परचेस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका जो ब्लशर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी पिगमेंटेड है जैसे कि आप देख सकते हैं। और सेम पैलेट से ही मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रिज ऑफ द नोज एंड अपने चिक बोन पे एंड अपने क्यूपिड बो पे एंड आईब्रो बोन पे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। फिर मैं एक आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी ब्रोज को फिल कर लिया है और उस पुली से क्लीन कर लूँगी। फिर मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आई शेडो ले रही हूँ, बहुत ही पिगमेंटेड है, मुझे बिल्कुल भी इसे उम्मीद नहीं थी कि इतना पिगमेंटेड होगा। तो एक ब्राउन शेड लेके मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है एंड उसके नीचे मैंने पिंक वाला शेड अप्लाई किया है और लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ जो कि ब्लू हेवन का काजल है। फिर मैं यहाँ पे लोटस का लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए मैं अपना ब्रश यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि इसका ब्रश मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो एक काफ़ी लंबा सा विंग ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। फिर जो मेरा ब्लू हेवन का काजल है उसको मैंने वाटर लैश लाइन पे लगा लिया, वाटर लैश लाइन मतलब लैश लाइन पे लगा लिया है और एक ब्रश की हेल्प से स्मर्ज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे लोटस का इको स्टे मस्कारा लगा रही हूँ जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। फिर मैं अपनी आईलिड पे एक ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ जो कि 20 रुपीज़ की आई थिंक मिलती है, और ब्लू हेवन वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि सिल्वर कलर की है। फिर यहाँ पे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ ADS की पेंसिल से और लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लोटस की प्रो एडिट लिपस्टिक। और शेड मुझे अभी याद नहीं है, तो इसकी जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना गाइस, इतना फ्लॉलेस लुक क्रिएट हुआ है। फिर मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरी पहन लूंगी एंड यहाँ पे मैं 3 डॉट जो भी आपका काजल है उसे आप लगा सकते हैं एंड मैंने यहाँ पे लाइनर से लगाया। तो दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ऐसी मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मुझे मेरे सिमसिम स्टोर पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे स्किन केयर एंड मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को वहाँ पे और भी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। फिर मैं मिलूँगी एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।